देख सकते हैं जेएलकेएम के जितेंद्र कुमार अभी नॉमिनेशन करके निकले हैं और उनके कई समर्थक अभी यहाँ से निकल रहे हैं। उनसे कई समर्थकों से हम बात कराने की कोशिश करेंगे। उगन्ना हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे उगन्ना? जिस तरह से समर्थक अभी देख रहे हैं, क्या लग रहा है? ये 24 वर्षों का जो शोषण पूरे झारखंड में हुआ, इसका बदलाव का एक गुलगुलार हो चुका है। और ये सिमरिया विधानसभा में जो हुजूम दिखाई दे रहा है, ये 24 वर्ष का नौजवान हमारे साथ है और इस वर्ष हम लोग झारखंड के इतिहास के काम करेंगे। उसमें विधानसभा से हम लोग जितेंद्र दा को यहाँ से भारी मतों से कैची छाप पर चुनाव चिन्ह बटन दबाकर भारी मतों से जीते। बड़ी पार्टी है आपके पीछे, तो बड़ी पार्टी है, क्या कहिए? उसी के खिलाफ है, वंशवाद नहीं चलेगा यहाँ पर। और जितने आशीर्वाद देंगे हमारे भी है, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा प्रत्याशी जितेंद्र कुमार वाले हैं और हम लोग इनको जिता करके और राजभवन में भेजने का काम करेंगे। हम सभी का उत्साह बहुत काफी देखने को मिल रहा है और हमारे सिमरिया और चतरा दोनों विधानसभा का प्रत्याशी जीतेंगे। आप सभी को कह दे रहे हैं कि आप लोग जरूर से जरूर हाथों को मजबूत करें। चलिए हम देख सकते हैं ये भीड़ और ये जो मुलाम चतरा और इधर देख सकते हैं कितने लोग आज पहुंचे हुए हैं जेल कैंप के सपोर्ट में। ये जनसैलाब देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जयराम महतो की ये पार्टी आज सिमरिया में भी अपने दमखम दिखा रही है और ये दमखम देख सकते हैं। महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, सभी इस रैली में शामिल है और जितेंद्र कुमार को अपना सपोर्ट देने के लिए सभी पहुंचे हुए। देखिए महिलाएं नाच रही है, ढोल और नगाड़े के थाप पे वो कहीं ना कहीं यहाँ पे देख सकते हैं। ये भीड़ जो हुजूम लगा हुआ है ये साबित कर रहा है कि जितेंद्र कुमार जी आइए थोड़ा सा उनकी यहाँ पे बात करवाते हैं, कुछ महिलाएं से जानने की कोशिश करेंगे। आ जाइए दीदी, दीदी एक मिनट दीदी, अजय दीदी के किसका किसका सपोर्ट में आए हैं आप लोग? जितेंद्र नाम के क्या क्या लगता है जीतेंगे अभी? क्या क्या नाम हो दीदी आपका? रीना। क्या क्या लगता है इस बार जितेंद्र कुमार जी सिमरिया से? हाँ जीतेंगे, जीतेंगे जी, कॉन्फिडेंट देख के लग रहा है और थोड़ा पब्लिक का रिएक्शन देख के भी लग रहा है। हाँ देख सकते हैं सभी का सोच, आप सब सोच रहे हैं कि इस बार सिमरिया में जिस तरह से दो बड़ी पार्टियां आई हैं उसके बाद जेएलकेएम का यह जो नॉमिनेशन फॉर्म करने के दिन ये जनसैलाब जो देखने को मिल रहा है ये बहुत बड़ी बात है। तो कैसा लगा न्यूज़ ये जरूर बताइएगा। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामी न्यूज़। धन्यवाद।